बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरत राज आज के में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी सेकंड ईयर में है, केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर मैं पहले से अपलोड कर रखा हूं और ये जो भी एमजेपी आर यू रोलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से है उनके लिए 100% पेपर में छपने वाले केवल 10 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को याद करके 70% प्लस लाएंगे। और मैंने जो 15 क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिए हैं, 15 से 17 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को सभी को आपने याद कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप उन क्वेश्चनों को याद कर लेना, 85% प्लस। अब आप टॉप करना चाहते हैं या फिर मिनिमम से तरीके से पास होना चाहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन बन जाए और मैं पास हो जाऊं, तो आप 10 क्वेश्चन को पढ़ लो जो आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। पेपर लीक हो गया समझ लो, यही आएगा, कुछ बाहर से नहीं आने वाला। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। बाकी अब दिखाता हूं मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चनों को पढ़ना है, ध्यान से देख लेना, बाकी कुछ और नहीं पढ़ने की जरूरत है। देखो यहां है ग्लूकोज बनाने की विधि और ग्लिसरॉल बनाने की विधि, इन दोनों को पढ़ लेना। ग्लूकोज कैसे बनता है, ग्लिसरॉल कैसे बनता है, इसको देखेंगे। और यहां है नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि, बात छुट्टी, इसको बाकी खत्म करो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। एक ये जरूर पढ़ लेना, कोलतार से फिनोल कैसे प्राप्त करते हैं, बात खत्म। और ये वाला आप, ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में बनता है, कभी कभी बनता है, हमेशा नहीं बनता है। अवरक्त जिसे आईआर स्पेक्ट्रम इसको भी बोलते हैं, ये दो टाइप का होता है। आपसे पूछेगा कि ओ आर पी हाइड्रोक्सी बेंजलाइट में आईआर स्पेक्ट्रम के आधार पर अंतर बताओ, यदि ये क्वेश्चन बनता है तो आप इसको बना बना के कर देना, टिक लगा लेना। इसमें देखो कुछ रिएक्शन पूछी जाती है, गेटरमैन कोच अभिक्रिया इसको पढ़ लेना है, गेटरमैन संश्लेषण को पढ़ लेना है, और उसके बाद में आप रीमन टीमन अभिक्रिया को पढ़ लेना है और कैरिजारो अभिक्रिया को पढ़ लेना है। जो मैं आपको बताया भाई पढ़ लो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। ये देखो बेंजोइल संघनन को पढ़ लेना है, खत्म खत्म, यही क्वेश्चन पढ़ो, बस यही करना है, कुछ नहीं करना, हो गया काम, यही बस, पास होगा बहुत अच्छे नंबर से। एक क्वेश्चन इसको देख लो, ये है बीएल अवार्ड का नियम को पढ़ लेना है, बस खत्म, यही पढ़ लिया, हो गया। विद्युत चुंबकीय विकिरण को पढ़ लेना है, ये वाला, ठीक है, जो बता रहा हूँ भाई पढ़ो, कुछ और फालतू एसिटोफिनोल बनाने की विधि इसको पढ़ लेना, जो जो बता रहा हूँ भाई पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है, ओके, बाकी कुछ और नहीं देखना है। चलो इसके बाद में लैक्टिक अम्ल बनाने की विधि देख लेना इसको, और सेट्रिक अम्ल बनाने की विधि देख लेना, ठीक है, छोड़ो इसको। और बताओ उंगली छाप, इसको देख लीजिए, उंगली छाप क्षेत्र को पढ़ लेना है, ये क्या होता है, एसिडोएस्ट्रिक एस्टर को बनाने की विधि को पढ़ लेना है। और उसके बाद नीचे जाएंगे कोल्बी अभिक्रिया क्या होती है, आप इसको पढ़ेंगे, कोल्बी अभिक्रिया, और ये है आपके विंटिंग अभिक्रिया के बारे में, ठीक है, विंटिंग अभिक्रिया जिसे बोलते हैं, मानक, देखो मानक अभिक्रिया को देख लेना है, ठीक है, और एपॉक्साइड जो होता है, एपॉक्साइड बनाने की विधि इसको पढ़ लेना, ये 100% पेपर में बनेगा ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड, और एल्कोहल और जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने की विधि होती है उसको, ठीक है, इसको किस तरीके से बनाते हैं ये क्वेश्चन। और बाकी बी एड को बना चुका हूं, अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के प्रकार के बारे में आप देख लेना है, और एसिडिक अम्ल छोड़ दीजिए, बाकी बस इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ और यहाँ नहीं देखना है, इसी से इतना से काम चल जाएगा, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे आप। बस देखो कोई क्वेश्चन अनजाने में हमसे छूट जाता है, नहीं आता है, तो आप उसको बना बना के करके आना, छोड़ के नहीं आना है, किसी भी कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। और कोई भी आपको कोई समस्या किसी पेपर में दिखाई देती है, आप हमसे तुरंत संपर्क करें, ठीक है, और मुझे जरूर बताना, पेपर जैसा ही हुआ करें आप मुझे उसकी पीडीएफ बनाकर सेंड किया करें, या फिर फोटो खींचकर मुझे सेंड करें, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।